हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एन आइडियल गैस इज फाउंड टू ओबे एन एडिशनल लॉ ऑफ पी स्क्वायर वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। द गैस इज इनिशियली एट टेम्परेचर टी एंड वॉल्यूम वी। व्हेन इट एक्सपांड्स टू द वॉल्यूम ट्वाइस ऑफ वी द टेम्परेचर बिकम्स। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। सो उसके दौरान आइडियल गैस ये पी स्क्वायर टाइम्स ऑफ पी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लॉ को ओबे कर रही है। अब यदि इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल वॉल्यूम वी हो, और यदि अब वॉल्यूम एक्सपांड होकर ट्वाइस ऑफ वी हो जाए, तो फिर टेम्परेचर क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करके निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर दैट, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम आइडियल गैस इक्वेशन कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, विच कैन बी स्टेटेड एज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पर पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस टेकन आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट टी टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आइडियल गैस लॉ को ओबे कर रही है, उसकी इक्वेशन हमें दे रखी है पी स्क्वायर टाइम्स ऑफ वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ऐसा हमें दे रखा है। सो अब हम आइडियल गैस की इक्वेशन को यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। सो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके हम पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन आर टी डिवाइडेड बाय वी। अब इसको हम ऊपर वाली इक्वेशन में पी की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हमें मिल जाएगा एन आर टी डिवाइडेड बाय वी का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ना हम सपोज कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस टेकन है इज नथिंग बट इक्वल टू 1 मोल्स। सो ये तो 1 हो जाएगा, फिर आर स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर, वी स्क्वायर, वी स्क्वायर हो जाएगा। ना यदि मैं यहाँ पर देखूँ आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर टेम्परेचर जो है तो वो चेंज होगा, एंड दैट इज वाई वी वुड से दैट दिस विल बी गोज टू आर स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई, एक भी कैंसिल हो गया तो सिर्फ एक भी बचेगा, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो चूंकि आर स्क्वायर इज अगेन गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट हियर, सो देयरफॉर विल गेट दैट टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी दिस विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ना चूंकि हमें 2 केसेस दे रखा है, इनिशियल एंड फाइनल केस। सो इनिशियल फाइनल केस के लिए यदि हम इक्वेशन लगाते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा कि T1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय V1 दिस विल बी इक्वल टू T2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय V2। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनिशियल टेम्परेचर है T, उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम है V, दिस विल बी इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर है, सॉरी फाइनल ना, फाइनल टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, तो C2 का स्क्वायर एज इट इज, और V2 यहाँ पर कितना हो रहा है, ट्वाइस ऑफ V। सो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ V, V से V कैंसल, टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड। सो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। सो सिंपली जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना निकल के आ जाएगा, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ T के ऊपर। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, सो देयरफॉर फाइनल टेम्परेचर विल कम अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ टी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।